मैं डॉक्टर अनीता कावड़िया, सह आचार्य इतिहास, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज हम एमए फाइनल हिस्ट्री के पेपर थर्ड बी के अंतर्गत लोधी वंश के शासकों के सिक्कों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। लोधी वंश, जिनका समय 1451 से 1526 ईस्वी रहा है, और ये सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट थर्ड का टॉपिक है। जहाँ तक हमने तुगलक वंश की बात की थी और उसके बाद में लोधी वंश के शासकों के सिक्कों की हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इनके बीच में सैयद वंश भी हुआ है, जिसका दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में सबसे कम शासन इस वंश का रहा है, और इनका कोई विशेष योगदान भी नहीं रहा है, ऐसा इतिहासकारों का भी मानना है। लगभग 37 वर्ष तक इन्होंने जो शासन किया, उसमें सैयद शासकों ने, यहाँ के सुल्तानों ने, न तो खिलजी सुल्तानों की भांति साम्राज्य विस्तार की साहसिक नीति अपनाई, और न ही इन्होंने तुगलक शासकों की भांति नवीन प्रशासकीय प्रयोग किए। तो इस तरह से सैयद सुल्तानों का शासनकाल दिल्ली सल्तनत के इतिहास में किसी भी दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं था, और बस इतना था कि उन्होंने दिल्ली सल्तनत के अस्तित्व को, जो लगभग नष्ट होने वाला था, उस नष्ट होने से इन्होंने बचा लिया था। इस वंश का जो अंतिम, इस वंश में चार शासक हुए हैं, खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह, और इन सबका समय जो हमें मिलता है 1414 से लेकर 1450 ईस्वी तक। और जब अंतिम इसका शासक अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था, जो कि अयोग्य और विलासी था, और उसका जो वजीर था वो हमीद खां, वो उसने दिल्ली में बहलोल लोधी को आमंत्रित किया था और सोचा था कि इसे मैं अपने हाथ की कठपुतली बना लूँगा, लेकिन बहलोल लोधी काफ़ी महत्वाकांक्षी था, और दिल्ली आने के बाद उसने उसी हमीद खां को हटाकर और पूरे दिल्ली सल्तनत पर अधिकार कर लिया था, और उसने इस आशय का पत्र भी अलाउद्दीन आलम शाह को लिखा कि वह ये सब सुल्तान के हित में कर रहा है, और फिर सुल्तान ने भी कह दिया कि मुझे तो बदायूं का परगना ही काफ़ी है और मैं सारा साम्राज्य तुम्हें दे रहा हूँ। इस प्रकार संपूर्ण राज्य बहलोल लोधी को प्राप्त हो गया था, और बहलोल ने खुतबा तथा सिक्कों से अलाउद्दीन आलम शाह का नाम हटा दिया था, और 1451 ईस्वी में वो स्वयं दिल्ली का शासक बन गया था, उसने दिल्ली का सुल्तान अपने आप को घोषित कर दिया था। तो इस प्रकार 37 वर्ष के नगण्य शासन के पश्चात सैयद वंश का अंत हो गया था, और यहाँ पर मध्यकालीन भारतीय इतिहास में राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से इस वंश का कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं रहा था, और तो अंततः फिर हमें दिल्ली सल्तनत पर लोधी वंश का 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक इनका शासन मिलता है। इस लोधी वंश में तीन प्रमुख शासक हुए हैं, बहलोल लोधी, जिनका समय 1451 से 1489 ईस्वी तक था। दूसरा सुल्तान हुआ था सिकंदर लोधी, जिनका समय 1489 से 1517 ईस्वी था, और तीसरा सुल्तान इब्राहिम लोधी, 1517 से 1526 ईस्वी, और उसके बाद में लोधी वंश को समाप्त करके बाबर ने मुगल वंश की स्थापना, पानीपत के युद्ध में उसको पराजित करने के साथ ही यहाँ पर उसने मुगल साम्राज्य स्थापित कर दिया था। तो हम लोधी वंश के ये जो शासक हैं, इनके सिक्कों की विशेषताओं की बात करेंगे, इनके नापतोल की बात करेंगे, और किस प्रकार के इन्होंने सिक्के जारी किए थे, इसको हम विस्तार से यहाँ पर इसकी चर्चा करेंगे। बहलोल लोधी के लिए ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने 38 वर्ष से भी अधिक समय तक यहाँ पर शासन किया था, तो जो किसी भी दिल्ली सुल्तान के शासन से अधिक था, और देश के उस समय के राजनीतिक वातावरण को देखते हुए ये इनकी एक बहलोल लोधी की महान उपलब्धि कही जा सकती है, क्योंकि जिस समय वो सिंहासन पर बैठा दिल्ली के, तो उस समय देश में चारों तरफ विकेंद्रीकरण की प्रवृत्तियां प्रचलित थी,
और प्रांतों के राज्यपालों से लेकर स्थानीय जमींदार तक सभी सत्ता प्राप्त करने और केंद्रीय सरकार की अवज्ञा करने के लिए उत्सुक रहते थे। तो बहलोल लोधी ने इस स्थिति को बड़ी कुशलता से संभाला था। उसके समय की दो प्रमुख समस्याएं थी, जिसमें प्रथम जौनपुर के शर्की सुल्तानों का जो रवैया था और दूसरी समस्या भी इसके समय में थी, वो थी शर्की राज्य की शक्ति को पूरी तरह से उसने पहली समस्या को तो छिन्न भिन्न किया और उसको दिल्ली में मिला लिया था, और दूसरी समस्या थी दोआब के हिंदू सरदारों को, उसको भी उसने अपनी अधीनता मानने के लिए विवश कर दिया था। तो बहलोल लोधी इनका अधिकांश समय सैनिक अभियानों में ही व्यतीत हुआ था, इसीलिए शासन व्यवस्था का पुनर्गठन करने का उसे समय नहीं मिला था, और इसीलिए नागरिक प्रशासन के क्षेत्र में वह कोई नवीन प्रयोग नहीं कर सका था। उसने अपने पूर्ववर्ती दिल्ली सुल्तानों के समय में जो प्रचलित प्रशासनिक संस्थाएं थीं उन्हीं को ही जारी रखा था और उसमें उसने कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया था। प्रशासन के क्षेत्र में बहलोल लोधी का जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान है वो है बहलोली नामक सिक्के का प्रचलन, और ये जो सिक्का इसने चालू किया था वो फिर मुगल सम्राट अकबर के समय तक भी विनिमय का माध्यम बना रहा था। तो ये बहलोल लोधी की एक अलग विशेषता थी, उन्होंने बहलोली नामक सिक्के को जारी किया था। इस वंश में बहलोली की जो सिक्के हैं उसके बारे में भी हम थोड़ा सा देखेंगे। बहलोल जो लोधी था, इसने जब दिल्ली सल्तनत पर सिंहासन पर अधिकार किया तो वो इस वंश का अंतिम लोधी वंश का संस्थापक था, और बहलोल लोधी ने इस वंश की स्थापना की थी और अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि की थी, और इसी में ही आगे सिकंदर लोधी ने भी उस प्रतिष्ठा में वृद्धि की, और उसके बाद इब्राहिम लोधी ने भी इस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया था। तो इस लोधी वंश का हमें 75 वर्ष का शासन मिलता है, और इस 75 वर्ष के शासनकाल में इन्होंने भारत में लोधी वंश के उत्थान को, या अफगानों का विकास काल भी कहा जाता है, ये इनका विशेष योगदान रहा था। तो सर्वप्रथम बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की और जो समस्याएं थी उन समस्याओं से मुक्ति पाकर इन्होंने ख़ास तौर से जो सिक्का चलाया था वो बहलोल लोधी बहलोली सिक्का कहलाता है। बहलोल लोधी के समय, जैसा हम जानते हैं, इतिहासकारों का भी मानना है कि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, अतः सुल्तान ने सोने और चांदी के सिक्के नहीं बनवाए थे, वो उस दृष्टि से असमर्थ था। तो उसने बहलोल लोधी ने मिश्रित धातु और तांबे के सिक्के इन्होंने जारी किए थे। उसके समय में बहलोल लोधी के समय में जो जीतल के स्थान पर इन्होंने बहलोली नामक सिक्का चलाया था, और वो बहलोली टंका का 1/4 होता था, और बहलोल लोधी के काल में मिलने वाले सिक्कों में भी दो प्रकार के सिक्के हमें मिलते हैं, मिश्रित धातु के और तांबे के सिक्के। और नेल्सन राइट ने लिखा है कि मिश्रित धातु के सिक्के 56 ग्रेन से लेकर 147.5 ग्रेन तक के होते थे। तो इन सिक्कों पर एक और बहलोल लोधी, दूसरी ओर अमीर उल मोमिनीन नायब अमीर अंकित हैं। अग्रभाग पर इसी तरह से मिश्रित धातु का जो सिक्का है बहलोल लोधी है, और पृष्ठभाग पर अमीर उल मोमिनीन नायब अमीर यह अंकित मिलता है। बहलोल लोधी ने तांबे के सिक्के दिल्ली और जौनपुर से जारी किए थे,
दिल्ली से जारी किए गए सिक्कों में टकसाल का नाम हजरत दहरी दहली या दारुल मुल्क दहली और जौनपुर की टकसाल का नाम शहर जौनपुर मिलता है। तांबे के अधिकांश सिक्के दहली में ही जारी किए गए थे और बहलोल लोधी ने मिश्रित धातु का एक सिक्का भी तैयार किया था जिसका वजन 145 ग्राम था। लोधी वंश के ये कानूनी सिक्के माने गए थे और इन्हें बहलोली नाम दिया गया था। बहलोल लोधी के समय 40 बहलोली एक टंका के मूल्य का माना जाता था। बहलोल लोधी स्वयं को खलीफा का नायक कहता था और सभी लोधी वंश के शासकों के सिक्कों पर एक और खलीफा का नाम और पृष्ठभाग पर सुल्तान का नाम ये मिलता है। बहलोल लोधी के सिक्कों पर लेख और लेखन शैली जौनपुर के शर्किश शासकों से मिलती जुलती है। बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी जिसका समय 1489 से 1517 ईस्वी है, इसका हमें इसके सिक्के मिलते हैं और ये इसके समय में भी इसने भी अपने बहलोल लोधी की तरह ही इसने भी मिश्रित धातु और तांबे के ही सिक्के चलाए थे। परंतु कुछ शक्तिशाली सरदारों ने फिर निजाम खां का साथ, इसका नाम निजाम खां था, इसका साथ दिया और 17 जुलाई 1489 ईस्वी को निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा था और सिकंदर ने ये सिद्ध कर दिया था कि वह अपने पिता के अन्य पुत्रों में सबसे योग्यतम है और उसने उन विरोधी सरदारों के जो उसे सुल्तान बनाने के पक्ष में नहीं थे उन सभी दावेदारों में जो भी सिंहासन प्राप्त करने के लिए उत्सुक थे उन सबको इसने समाप्त कर दिया था। तो उसने अफगान सरदारों के प्रभाव और शक्ति को दबाकर सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित किया। सिकंदर इस तरह से सिकंदर लोधी एक शक्तिशाली और शिक्षित और विद्वान श्रेणी का शासक था। वह फारसी का ज्ञाता था और स्वयं कविताओं की रचना करता था। एक शासक की दृष्टि से सिकंदर लोधी का एक परिश्रमी न्यायप्रिय और प्रजा हितकारी शासक या सुल्तान उसको माना जाता है। सिकंदर का सिक्का इसने भी अपने पिता की तरह मिश्रित धातु और तांबे के सिक्के जारी किए थे। उसके बाद मिश्रित धातु के सिक्के जिनका भार 17 ग्रेन से लेकर 177 ग्रेन तक का था, सिक्कों पर अंकित शब्दों में पूर्व की तुलना में कुछ परिवर्तन यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर एक और अमीर उल मोमिनीन खिलदत खलीफा लिखा है, दूसरी ओर के भाग पर अल मुत्तकिल अल रहमन सिकंदर शाह बहलोल शाह सुल्तान अंकित है। मिश्रित धातु के इन सिक्कों पर कहीं भी टकसाल का नाम अंकित नहीं है। नेसल राइट ने भी बताया कि 26-27 सिक्कों का जो उनको विवरण उन्होंने दिया है उसमें टकसाल का नाम नहीं है। और सिकंदर लोधी ने तांबे का टंका भी चलाया था, चांदी का एक टंका सिकंदर लोधी के 20 तांबे के टंके के बराबर माना जाता है। इस वंश का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोधी था और सिकंदर लोधी की मृत्यु पर उसने प्राय सभी महत्वपूर्ण सरदारों ने और उसके पुत्र जो भी राजधानी में उपस्थित थे और उन सभी की सहमति से इब्राहिम लोधी को शासक बनाया गया था और इस योजना के अनुसार इब्राहिम लोधी जो कि सिकंदर शाह का सबसे बड़ा पुत्र था वो सुल्तान बना था। इब्राहिम लोधी ने 1517 से 1526 तक शासन किया था और नेल्सन राइट के अनुसार उसने केवल मिश्रित धातु के सिक्के ही जारी किए थे। मिश्रित धातु के सिक्कों का भार 34.5 ग्रेन से लेकर 88.5 ग्रेन तक का था। सिक्के के अग्रभाग में एक और फी जमन
अमीर उल मोमिनीन खिलदत खलीफा लिखा है पृष्ठभाग में, अलमुत्तकिल अली उल रहमन इब्राहिम शाह और सिकंदर शाह सुल्तान अंकित है। सिकंदर सुल्तान सिकंदर लोधी की बात ही इब्राहिम लोधी के सिक्कों पर भी टकसाल का नाम अंकित नहीं मिलता। और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक, इन सब की तरह इन्होंने भी सिक्के जारी किए थे। तो इस प्रकार बहलोल लोधी के बाद लोधी सुल्तानों ने भी सिक्के जारी किए। और 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में बाबर ने अंतिम लोधी शासक इब्राहिम लोधी को परास्त कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। तो इस तरह से लोधी वंश की समाप्ति हो गई। और इस वंश का जो सबसे प्रमुख सिक्का में मिलता है वो बहलोली सिक्के के नाम से प्रसिद्ध है और बहलोल लोधी के नाम पर ये पड़ा था। तो बहलोल लोधी के समय में दो टकसालें थी, दिल्ली और जौनपुर। सिकंदर लोधी के समय इसके अलावा आगरा में थी। इब्राहिम लोधी में के समय में भी आगरा में टकसालें रही थी।